नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। संविदा अमीन कर्मी आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं और मुलाकात करने पहुंचे हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम उन्हें यहां से हटाने के लिए भी पहुंच गए हैं। और जिस तरह से बात करें कि जो संविदा अमीन कर्मी हैं, उन्हें विभाग के द्वारा, जैसे भूमि सुधार विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाता है और कहा जाता है कि अगले आदेश तक इन लोगों को काम नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद अमीन कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंच जाते हैं सैकड़ों की संख्या में, जिसके बाद प्रशासन की टीम पहुंचती है और उन्हें यहां से हटाने की गुजारिश करते हैं और नहीं मानते हैं। ऐसे में उन पर लाठियां भी बरसाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की टीम है, जो अमीन कर्मी, जो संविदा अमीन कर्मी हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। और साफ तौर पर अमीन कर्मियों का कहना है कि हम लोग लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं और एक बैग लेटर जारी किया जाता है कि अगले आदेश तक हम पर से कोई काम नहीं लिया जाए। ऐसे में जो तमाम अमीन कर्मी हैं, जो 550 अमीन कर्मी हैं, वो प्रदर्शन करने लगते हैं और आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम है जो उन पर लाठियां बरसाते हैं और इन्हें यहां से भगा देते हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें कि अपर मुख्य सचिव इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बनाए गए हैं के पाठक, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और अब उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। ऐसे में तमाम संविदा अमीन कर्मी का उनसे आशा है और वो लगातार विभाग से भी मांग करें, विभाग में जाकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पहुंचते हैं, लेकिन वो आवास पे तो नहीं रहते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती हो पाती है। लेकिन जो तमाम अमीन कर्मियों पर प्रशासन की टीम है जो लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपको तमाम वो तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं किस तरह से तमाम जो संविदा अमीन कर्मी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जबरदस्ती कीजिएगा।